क्या घटना है बुआ, किस लिए जाम लगाया हो? घटना एक्चुअल में ये है ना कि जाम लगाने का रीजन बना कि फाइनली 2016 से एप्लीकेशन डालते डालते जिलाधिकारी महोदय से लेकर के अंचलाधिकारी महोदय से लेकर सांसद महोदय से लेकर के लोगों ने अपना जो एक प्रोसेस के थ्रू होता है काम करना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि अब तक इसका कार्य प्रगति आप देख ही रहे हैं। अब क्या हुआ है कि उसमें पानी जाना घर में शुरू हो गया, तो पानी जाने वाला सिलसिला 4 महीने से शुरू हो गया है। तो 4 महीने से लोग का रहना एकदम बहुत जर्जर हालत में है, तो लोग यहाँ से छोड़ के जाने लगे। और आप ही सोचिए कि ये शहर है और यहाँ से लोग छोड़ के जाने लगे तो उसका हालात क्या होगा। दूसरा चीज, जब यहाँ के सीओ साहब को हम शनिवार को बोले हैं कि सर चलिए, उससे पहले भी 5 बार मिल चुके हैं सीओ साहब से, तो बोले तो आए हमारे साथ। वो उस दिन बहुत प्रेशर हम लोग बनाए, आए तो 4 घंटे हम लोग के साथ वो वेरिफिकेशन किया कि कहाँ कहाँ से चूना मार के इसको काटना है, कहाँ कहाँ से ये होगा। इवन कि सीओ साहब ने कहा कि आप लोगों को पैसा खुद देना होगा, तो हम लोगों ने कहा खुद देंगे पैसा, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख लगे 2 लाख लगे हम लोग पैसा देंगे, हम लोग इकट्ठा करेंगे, ठीक है। सिर्फ उनको रहना था क्योंकि माहौल बिगड़ न जाए इसके कारण। लेकिन सोमवार को भी वो लोग नहीं आए, आज 2 दिन हो गया, आज गायब हो गए कहीं पे बिना बताए। आज का वादा था तो आज नहीं आए। हम लोग सोचे कि अब ऐसे काम नहीं होगा। हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ रोड जाम किया है, किसी तरीके या किसी को हानि नहीं की। एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं, जैसे छात्र हैं उनको रास्ता दे रहे हैं, जिनका ज्यादा जरूरी है उनको मान जाने दे रहे हैं। तो हम लोग का सिर्फ मांग है कि कोई वरीय पदाधिकारी आए और वो लिखित में साथ साथ वीडियो में बोले कि हम ये काम को कब तक कराएंगे, एक फाइनल पोजीशन पे देकर, क्योंकि जीवन एकदम रहना मुश्किल हो गया। दूसरा एक बहुत बहुत बढ़िया डिमांड इन लोग का है कि तुम 1 घंटा रह लो हमारे घर में जा करके, हम यहाँ से जाम छोड़ देंगे। सोचिए क्या स्थिति होगा। बस आप इसका इस चीज से आप इससे मतलब अंदाजा लगा सकते हो उस जगह। क्या नाम है आपका? समीर नाम होगा। मामला सर यही है कि 4 महीने से सर हम लोग पानी में डूब रहे हैं, ठीक है। इसका कोई सुनवाई नहीं है। वीडियो के पास सब जगह हम लोग घूम के आ गए हैं, कोई इसका सुनवाई नहीं है, ठीक है। तो आज अगर फैसला नहीं होगा तो हम लोग घर नहीं जाएंगे। एक पैर हाथ टूट रहा है, पति ड्यूटी जा रहे, वो गिर रहे हैं, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, रोज भीग के स्कूल जा रहे हैं गिर गिर के। ये कोई तमाशा नहीं ना है। हम लोग चक्कर काटते रहे हैं, पागल है हम लोग पब्लिक। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है। खाली जाना है, वहाँ से आ रहे हैं वो लोग, जैसे बच्चा रो रहा है उसको चॉकलेट पकड़ा दिया, बच्चा चुप हो गया, आए एक तस्वीर खींच ली और चले गए वापस। क्या है, हम लोग पागल थोड़ी है। बच्चा स्कूल पर नहीं जा रहा है, 2-4 दिन से बच्चा बीमार है, स्कूल नहीं जा पा रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैट्रिन बाथरूम की। लैट्रिन बाथरूम में पानी घुस गया है। खाना के बगैर, पानी के बगैर आदमी 1 दिन रहेगा, लेकिन लैट्रिन बाथरूम के बगैर कैसे रहेगा? ये तो 1 दिन का नहीं ना है। कोई इसका सुनवाई नहीं, कोई इसका रिएक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी सिंह। जिसके वजह से क्या हम लोग इस स्थिति पे आज खड़े हैं।